आए बेटा हो जाए बहुत है, है? गर्भ में भ्रूण हत्या हो रही है, लाख बच्चियों की आत्मा झाड़ियों में पड़ी है, इसी के कारण हमारे देश में हानि हो रही है, महाप्रलय हो रही है, बीमारियां आ रही है, ये जो भ्रूण हत्या है इसी के कारण, जो पाप हुआ इसी के कारण हम सबको भोगना पड़ रहा है। क्योंकि चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर गर्भ में लाओ तो उसे संसार जरूर दिखाओ, अगर संसार ही नहीं आपको दिखाना है तो उस बच्चे को गर्भ में मत लाओ, सबसे बड़ा दोष है भ्रूण हत्या करना। महाराज बोले एक बेटी हो जाए, आजकल अगर कहूं बेटी बहू के हो जाए, परीक्षित जी पहली बार अगर बहू के बेटी हो जाए तो काऊ से मत पूछियो, बहू के सास से पूछो, काहे मैया तुम्हारी बहू के कछुआ तो कहाँ बहू है, बोले कहाँ बहू है पिटिया भाई हो कहाँ बहू है। ईश्वर की कहीं दूसरी बार हो जाए, ईश्वर की कृपा कहीं दूसरी बार हो जाए, बहू के दूसरी बार भी बेटी हो जाए तो सास और नंद से पूछो, काहे अम्मा का जो सुनी है थी दोबारा हूँ हमने, का खुशी भाई है, बोले कहाँ भाई है मोड़ी भाई हो कहाँ बहू है। अगर कहीं ईश्वर की कृपा तीसरी बार हो जाए लाला के सहारे से, तो तीसरी बार घर में लक्ष्मी आ जाए तो सास और नंद से पूछो, कहे तुम्हारे भौजाई के तुम्हारी अम्मा बहू के कछु हमने सुनी थी अब कितना है का बहू है, बोले का बहू है बाके का बहू है, बा नगटी जब से आई बाके का बहू है, लोड़िया भैयो का बहू है, हैं पहली बार बिटिया, दूसरी बार मोड़ी, तीसरी बार लोड़िया है। ऐसी ऐसी सासें पड़ी हैं कि बहू के का पता बेटी हो लाली हो, और सास का पता गेट पकड़ के रोन लगे, का पता धरती से ना उठाए, बोले डरो रान दे हमारी तवा तो मैं रो गई अब, का पता कोने में बैठ के आंगन में रोन लगे, बोले आ दैया कितना तुमने बजरंग बली को झंडा मानो हो तो जऊ जन्नकटी चली आई फेरऊ लला ना आओ। ऐसी ऐसी माताएं बुरा नहीं मानना, ऐसी ऐसी हमारी मैया हैं जो बड़े ससुराल में ताने सुनने को मिलते हैं। अगर छोटी बहू के बेटा हो जाए महाराज, और बड़ी बहू के केवल बेटियां हो तो महाराज उस बड़ी बहू को बड़ा लजा सता के रखा जाता है, बड़े ताने सुनने को मिलते हैं। ताना नहीं देना चाहिए, ये बेटा और बेटी कोई हाथ का काम नहीं, ये सब भाग का काम है, ये सब भाग होता है, जो हम लोग लिखा के लाए हैं वही तो प्राप्त करेंगे। और बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, आज हमारी समाज में बेटों से ज्यादा बेटियां ऊंचाइयों पर जा रही हैं। केवल आप लोग अंतर मत रखो कि हमारी ये बेटी है, बेटा जैसी उसे शिक्षा दिलाओ, उसे शिक्षा दो, अच्छी सोसाइटी में पहुंचाओ, अच्छे विद्यालय में पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे बुरे से समझाओ, बेटी भी बेटा से कोई कम नहीं, आपको बेटे से आगे बहुत बेटी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। और बेटियां दो घर मजबूत करती है, जब अच्छी आप शिक्षा दिलाओगे तो आपके घर में भी बेटी कुछ करके जाएगी, और जहां पर जाएगी उस घर का भी उद्धार कर देगी, बोलिए गोविंद भगवान की। और जब शिक्षा ही नहीं दिलाओगे तो बेटी कर का पाएगी, बेटी तो खुद पराधीन रहेगी। बेटियों को देख करके कभी मत रोना, ये बड़ा भूल होती, बड़ी मूर्खता होती उन मैयाओं में जो बूढ़ी बूढ़ी सासें खोपड़ी पे आंध धर के बिटियन को देख के रोती हैं। हाँ बेटियां तो लक्ष्मी है, हर बेटी भाग लेकर आती है, जिन माँ बाप के बेटी नहीं होती है वो किसको कर देते हैं, वो किसी को क्या कुछ दे देते हैं। और गरीबों की बेटियां इतने सुंदर घरों में जाती है, ये भाग की बात है। बेटियों को देखकर भड़बड़ाना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। एक बेटा को अच्छी शिक्षा दिलाना और एक बेटी को शिक्षा दिलाना, बेटा बहू लेके परदेश जाएगा, अगर बहू उल्टी सीधी आ गई तो बेटा पानी भी आपको नहीं देगा। ऐसे ऐसे माँ बाप पड़े हैं, गुजर भी जाते हैं, बेटा बहू बाद में आते हैं, लेकिन एक बेटी को कोई लालच नहीं होता आप लोगों से। जब से उसकी शादी हो जाती है, चाहे उसे दुष्ट भी परिवार मिल जाए, फिर भी जब तक उसके माँ बाप जिंदा रहते हैं तो बेटी लड़ झगड़ के जरूर आपको देखने आएगी। रात में कभी प्यास लगे तो एक बार चार बार बेटे से कहना,
एक बार केवल बेटी से कह के देखना, देखो बेटी आपके पास से नहीं हटेगी, आपको तुरंत पानी देगी, सेवा करेगी। बेटियों का बहुत बड़ा जीवन में त्याग है और बहुत बड़ा समर्पण भाव है, और बेटियां वैसे भी बड़ी लाडली हुआ करती हैं, बेटों से बेटियां भी कम नहीं हैं। हम लोगों को ना ही कम समझना चाहिए, हमें बराबर हक देना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। भीष्मक बोले घर में बेटी हो जाए, क्योंकि कहा है देश की।